भारत में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और इसी बीच पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मोदी सरकार की वापसी के बाद हड़कंप सा मच गया है। जी हां, पाकिस्तान ने जहां एक तरफ फिर से शांति वार्ता का प्रस्ताव दिया है, वहीं दूसरी तरफ शाहीन 2 मिसाइल का परीक्षण भी कर दिया है। इस मिसाइल का परीक्षण कर पाकिस्तान ने भारत को एक तरह से चेतावनी भी दे दी है। पाकिस्तान ने कहा कि यह एक तरह से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो 1500 मील तक के क्षेत्र को कवर कर सकती है। इस मिसाइल के जरिए परमाणु और पारंपरिक हथियार भी दागे जा सकते हैं। इस मौके पर पाकिस्तान की सेना ने बयान जारी करते हुए कहा कि ये मिसाइल उसकी जरूरतों को पूरा करती है ताकि क्षेत्र में कोई उनकी तरफ आंख उठाकर न देख सके और मुल्क में शांति बहाल रहे। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता ने कहा कि इस मिसाइल का इंपैक्ट पॉइंट अरब सागर में था। बालाकोट में आतंकी गुट जैसे मोहम्मद के ठिकानों पर की गई वायुसेना के एयर स्ट्राइक के खौफ से पाकिस्तान अभी भी उबर नहीं पाया है। एयर स्ट्राइक के 75 दिन बाद भी उसे अपने F-16 लड़ाकू विमान की सुरक्षा की चिंता खाई जा रही है। 27 फरवरी को पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भारतीय सीमा में आए थे और जिसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान गिराया था। पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने गिराया था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।